हेलो दोस्तों, माई सेल्फ निश्चल कसेरा एंड टुडे वी आर स्टडी मॉस फॉर पॉलिटेक्निक मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग। इस लेक्चर में हम रोल क्रशर के बारे में जानेंगे। फर्स्टली हम इंग्लिश में रोल क्रशर के बारे में जानेंगे, देन हिंदी में रोल क्रशर के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, ये लेक्चर इंग्लिश और हिंदी दोनों में बना हुआ है, तो जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं और हिंदी मीडियम के हैं वो थंबनेल में देख सकते हैं। थंबनेल में टाइम स्टैम्प दिया गया है, मतलब कौन से कितने टाइम तक इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये लेक्चर नोट्स है और उसके बाद हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कितने से कितने देर के लिए है, वहाँ से टाइम स्टैम्प से आप थंबनेल से देख सकते हैं। वहाँ से जाकर देख लीजिए। जैसे कोई हिंदी मीडियम का है तो अभी वो कुछ जो भी टाइम स्टैम्प है उतनी देर के लिए वो अपना लेक्चर स्किप कर सकता है, उसके बाद जब हिंदी मीडियम में आ जाएगा तो वो अपना देख सकता है। फर्स्टली हम इसमें इंग्लिश में जानेंगे कि रोल क्रशर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। रोल क्रशर आर सेकेंडरी क्रशर विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग एडिशनल रिएक्शन इन द साइजेस ऑफ स्टोन आफ्टर द आउटपुट ऑफ अ माइनिंग साइट हैज बीन सब्जेक्टेड टू वन और मोर स्टेज ऑफ प्रीरियर क्रशिंग। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो रोल क्रशर होता है वो सेकेंडरी क्रशर है, और ये एडिशनल रिएक्शन मीन्स जो भी माइनिंग में स्टोन वगैरह होते हैं, हमारे जो भी पत्थर होते हैं उन्हें ये क्रश करता है रोल क्रशर। अब कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। रोल क्रशर इज मेनली फॉर्म्ड बाय द रोलर जो एंड रोलर्स। जो रोल क्रशर होता है वो मेनली किससे बन के मिला, मतलब किससे मिलकर बना होता है, वो रोलर से मिलकर बना होता है। रोल क्रशर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल रोटेटिंग रोल्स। जो रोल क्रशर होता है वो क्या करता है, दो पैरेलल समांतर, पैरेलल मतलब क्या होता है, समांतर रोटेटिंग रोल्स को कंसिस्ट करता है, वो रखता है। देखिए, एक रोल ये है और सेकंड रोल ये है, ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में रोल करते रहते हैं और ये स्प्रिंग से अटैच होता है। रोल टर्निंग टूगेदर इन अपोजिट डायरेक्शन। अभी हमने जाना कि वो कैसे रोल करता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में रोल करता है। विथ फीड बिंग डायरेक्टेड थ्रू द मूविंग गैप बिटवीन देम। और जो फीड होता है उसको हम कैसे, मतलब रोल क्रशर के अंदर डालते हैं। देखिए, यहाँ पे होपर लगा होता है, इस होपर के थ्रू हम क्या करते हैं, फीड को डालते हैं, और ये दोनों रोल अपोजिट डायरेक्शन में रोल करने लगते हैं और जो भी मटेरियल होता है वो हमारा क्रश हो जाता है, यहाँ से हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाता है। द रोल आर अप्रॉक्सीमेटली 0.6 इन डायमीटर। जो रोल होते हैं उनके डायमीटर कितने होते हैं, लमसम, अप्रॉक्सीमेटली की हिंदी होती है लमसम, लगभग 0.6 मीटर की उनकी डायमीटर होती है, और वो रोटेट अप टू 300 RPM। यहाँ 300 RPM का मतलब हम क्या समझ सकते हैं, मतलब वो पर मिनट कितना रोटेट करता है, वो पर मिनट 300 बार रोटेशन अपना पूरा करता है। तो ये रोल क्रशर का, रोल क्रशर क्या होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन जाननी है। अब रोल क्रशर की वर्किंग जानते हैं इंग्लिश में। द पार्टिकल आर ड्रॉन इन टू द गैप बिटवीन द रोल बाय देयर रोटेटिंग मोशन एंड अ फ्रिक्शन एंगल इज फॉर्म बिटवीन द रोल एंड द पार्टिकल कॉल्ड द निप एंगल। मतलब जब भी मटेरियल को हम डालते हैं होपर के थ्रू रोल क्रशर में, तो उनके जो भी दोनों रोल होते हैं वो रोटेशन मोशन में आ जाते हैं। रोल क्या कहते हैं, रोटेशन मोशन में आते हैं। देखते हैं, देखिए ये रोल है, ये स्ट्रेट लाइन में तो मोशन कर नहीं रहा है, ये रोटेशन मोशन में मोशन कर रहा है। तो ये दोनों रोल क्या कर रहे हैं, रोटेशन मोशन में मोशन कर रहे हैं, और इन दोनों रोल के बीच में एक एंगल बनता है। तो अब उसको आगे देखते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं रोल क्रशर के। द रोल क्रशर हैज अ सिंपल स्ट्रक्चर। इसका बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इट इज कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट। मतलब ये बहुत ही हल्का वेट होता है, लाइट मतलब हल्का वेट। इट इज चीप, मतलब इसकी जो भी मतलब पैसे से ये बहुत ही चीप होता है, आसानी से हमें मिल सकता है, और इसकी इट इज़ इजी टू मेंटेन। इसे मेंटेन करने के लिए
बहुत ही इजी, बहुत ही जल्दी हम इसको मेंटेन कर सकते हैं और इसके मेंटेनिंग कॉस्ट भी बहुत लो प्राइस होती है। और डिसएडवांटेज क्या होती है, लो प्रोसेसिंग कैपेसिटी, मतलब ये जो प्रोसेस होता है इसका, इसका बहुत ही ज़्यादा लो होता है। हाई वियर एंड टीयर होता है। इसके डिसएडवांटेज में हाई एनर्जी कंजप्शन, मतलब ये ऊर्जा का बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो चलिए अब एक बार हिंदी में जान लेते हैं रोल क्रशर को, उसके बाद हम एनिमेशन वीडियो के द्वारा समझेंगे कि रोल क्रशर कैसे वर्क करता है। पहले हम प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लेंगे हिंदी में, उसके बाद हम एनिमेशन वीडियो के थ्रू जानेंगे कि रोल क्रशर हाउ टू वर्क। तो अब देखते हैं रोल क्रशर का प्रिंसिपल क्या होता है। इंडस्ट्री में रोल क्रशर कंप्रेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जैसे कि अभी हम इसके पहले जॉ क्रशर और गैरेट्री क्रशर के बारे में पढ़े हैं, उसमें भी वो दोनों क्रशर भी कंप्रेशर के प्रिंसिपल पर ही वर्क करते थे। और ये जो मेरा रोल क्रशर है ये भी कंप्रेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इंडस्ट्री में या किसी फीड के साइज को कंप्रेशन फोर्स द्वारा स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है। मतलब जो भी फीड होता है, जो भी मटेरियल हमारा फीड होता है रोल क्रशर के अंदर, उसे ये क्या करता है, कंप्रेशन फोर्स के द्वारा बहुत ही स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसको बनाया कैसे जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। स्मूथ रोल क्रशर असेंबली में सामान्यतः हैवी मेटल के दो रोल लगे होते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये हैवी मेटल के, एक ये और ये दो, दोनों हैवी मेटल के लोहे के रोल लगे होते हैं। अब आगे जानते हैं, ये दोनों रोल समान डायमीटर के होते हैं, डाया के होते हैं, मतलब इनका जो डायमीटर होता है वो समान होता है। रोल असेंबली में शाफ्ट से जुड़ा होता है, शाफ्ट से जुड़ा होता है और ये एक दूसरे की तरफ रोटेट करते हैं। देखिए, हम इसे शाफ्ट या फिर स्प्रिंग कह सकते हैं, इससे जुड़ा होता है और एक दूसरे के अपोजिट ये रोटेट करता है। आगे देखते हैं, तथा एक का मूविंग फास्ट तथा दूसरे का मूविंग स्लो होता है। कोई एक, दोनों में से एक रोल बहुत ही फास्ट मूव करता है और दूसरा रोल उसी के जहां पे बहुत ही स्लो मूव करता है। दोनों रोल के बीच का स्पेस हम मटेरियल के फीड साइज और प्रोडक्ट के आधार पर एडजस्ट कर लेते हैं। दूसरा रोल स्प्रिंग से जुड़ा होता है। हाँ, जैसे कि अभी हम देखे थे स्प्रिंग से जुड़ा था, जो हैवी मटेरियल की वजह से लगने वाले लोड को सहन करने के लिए लगा होता है। रोल का स्पीड सामान्यतः 550 से लेके 300 आरपीएम तक होता है। अभी हम आरपीएम का इंग्लिश में जाने थे कि आरपीएम का मतलब क्या होता है, रोटेशन पर मिनट होता है, मतलब एक मिनट के अंदर कितनी बार हमारा रोल क्रशर रोटेट करता है, वो कितनी बार रोटेट करता है, 50 से लेके 300 आरपीएम तक वो रोटेट करता है पर मिनट। तो अब हम पहले वर्किंग को एनिमेशन वीडियो के थ्रू रोल क्रशर को एनिमेशन वीडियो की तरह उनकी वर्किंग को जान चुके हैं। अब देखते हैं कि रोल क्रशर की वर्किंग क्या होती है, हिंदी में समझते हैं। इंडस्ट्री में जिस भी मटेरियल को क्रश करना होता है उसे हम रोल क्रशर के टॉप पर स्थित हॉपर से फीड करते हैं। देखिए, ये यहाँ पे हॉपर होता है, ये फीड है, मतलब मटेरियल को हम लोगों ने फीड किया रोल क्रशर के अंदर। उसके आगे देखते हैं क्या लिखा है, जिससे मटेरियल रोटेट करते हुए रोल क्रशर के बीच में भरता है। देखिए, मटेरियल है, ये रोटेट हो रहा है और रोल क्रशर के बीच में भर जाता है। तो कंप्रेसर के द्वारा स्मॉल स्मॉल पीसेस में क्रैक होकर डिस्चार्ज फॉर्म में मिलता है। जो मटेरियल होता है हमारा, वो कंप्रेसर फोर्स के द्वारा उसे हम लोग क्या करते हैं,
रिड्यूस कर देते हैं उसकी साइज को और वो क्रैक हो जाता है, फिर वो डिस्चार्ज फॉर्म में हमें मिलता है। यहाँ एक नोट करके लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। उनकी साइज जो क्रशर के द्वारा प्राप्त मटेरियल से साइज में स्मॉल होती है, मतलब जो भी जॉ क्रशर हमारा मटेरियल को क्रश करता है जब, उसकी जो साइज होती है मटेरियल की, उससे ये बहुत ही स्मॉल साइज प्रोड्यूस करता है जॉ क्रशर के कंपेयर में। तो अब देखते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं। इन कंपेयर जॉ क्रशर, मतलब जॉ क्रशर को अगर हम इससे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो इसमें लो मेंटेनेंस होता है। और डिसएडवांटेज क्या है, यह बहुत बड़े लार्ज फीड के लिए सुटेबल नहीं है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।